एक नाम जिसकी जीत के लिए जीते हैं कई, एक देश जिसकी पहचान के लिए मैदानों में लड़ते हैं कई, दिन रात लगाकर तिरंगे को शिखर तक ले जाना है जिन्हें, भारत के ऐसे वीरों और वीरांगनाओं को मिलता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। बॉक्सिंग, रेसलिंग, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, हर खेल और हर खिलाड़ी के लिए जीत का बिगुल बज चुका है। प्रधानमंत्री द्वारा देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की नींव रखी जा चुकी है। इसका परिणाम अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में भारत के प्रदर्शन में भी आज हमारे लोग, हमारे नौजवान कुछ न कुछ कर दिखा रहे हैं। देश में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम हो या विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित फुटबॉल स्टेडियम, खेल और प्रतिस्पर्धा को मिलते ये मंच भारत के हर गांव, हर शहर के बच्चों और युवाओं तक कुछ कर गुजरने की प्रेरणा दे रहे हैं। आपका पसीना आज देश की करोड़ों बेटियों की प्रेरणा बन गया और मैं टीम के सभी साथियों को और आपके कोच को सबको बधाई देता हूं। ओलंपिक्स में भी भारत के सुनहरे युग की शुरुआत हो चुकी है। जीत तक का सफर आसान नहीं, इसलिए प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में खेलो इंडिया और फिट इंडिया अभियान खिलाड़ियों के इस सफर में साथ दे रहे हैं, जुनून और जज्बे को जीत में बदलने का रास्ता दे रहे हैं। क्योंकि जीत सिर्फ एक खिलाड़ी या टीम की नहीं होती, उसी क्षण 130 करोड़ भारतीय भी जीत जाते हैं।